वेल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई ट्रिक अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस फ्रेश वीडियो को। तो दोस्तों आज की एप्लीकेशन काफी खास है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को इंटरनेट के संपर्क में आने से रोक सकते हैं। जरा दोस्तों सोचिए कि सपोज कीजिए कि आप अपना इंटरनेट चालू रखना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि सामने किसी को भी पता ना चले कि भाई आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन कब हैं, व्हाट्सएप पर आपने मैसेज रीड किया या नहीं। यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप में ऐसी सेटिंग्स है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ये कर सकते हैं कि भाई WhatsApp पर मैसेज भी ना आए, ना ही आप मैसेज भेज पाए। तो WhatsApp Messenger किसी भी एप्लीकेशन को जो है दोस्तों इंटरनेट चालू होने के बावजूद भी उस पर जो है मैसेज नहीं आए, वो सेटिंग करने के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, इसे हम फायरवॉल कहते हैं कंप्यूटर में, जहां पर हम किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक करते हैं इंटरनेट से। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है मोबीवॉल। तो यहां पर आप देख लीजिए कि इसका यूज आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन को, जहां पर दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर ली है मोबीवॉल ऐप को। इसे यूज करना बहुत ही आसान है। तो मैं यहां पर फायरवॉल स्टेटस जो है इसे ऑन कर देता हूं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो दूसरा ऑप्शन है वो है फायरवॉल रूल्स। तो यहां पर जितनी भी एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखी है वो सबकी लिस्ट यहां पर आ जाएगी। तो जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई व्हाट्सएप पर इंटरनेट चालू होने के बावजूद भी मैसेज ना आए, तो यहां पर सिंपली मुझे क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर ये देख सकते हैं मोबाइल डेटा का निशान है, मतलब कि डेटा ऑन होगा तब मैसेज आएगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं। और दूसरा वाईफाई भी मैं इधर बंद कर देता हूं, मतलब कि वाईफाई और डेटा दोनों ही ऑन होने के बावजूद भी व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं यही सेम सेटिंग मैसेंजर के लिए कर देता हूं। तो यहां पर ये दोनों सिंबल पे आपको टैप करना है और अब जो है मैसेंजर पे भी नेट चालू होने के बावजूद कोई भी मैसेज कोई भी चीज नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं कि ये काम करता है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे मोबाइल का डेटा अभी फिलहाल ऑन है और ऐसे में अगर मैं किसी चीज़ को सर्च करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो नेट है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये इमेज आ जाती है। ठीक है, तो अब लेकिन आप सब जानते हैं कि मैंने WhatsApp और Messenger को ब्लॉक करके रखा है, तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, हाय हेलो कैसे हो, ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस जो है जा नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका सिंबल नहीं बता रहा है कि भाई मेरा मैसेज चला गया, मतलब कि यहाँ पर मेरा एक भी मैसेज नहीं जाएगा जब तक कि मैं इसे अपने फायरवॉल को बंद नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद में जो है वो सारे मैसेजेस चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप किसी काम में बिजी हैं, ऐसे में आप चाहते हैं कि भाई जैसे ही आप मोबाइल में नेट ऑन करें और देखते होंगे बहुत से मैसेजेस आने लगते हैं, ग्रुप में मैसेजेस आने लगते हैं, तो कई बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे रीज़न से, मुझे नहीं पता आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाँ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।